हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज बनाने वाले हैं सिंपल तरीके से नाश्ता जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे उबले आलू ले लिए हैं और इनको छील लिया है। और यहाँ पे सभी मसालों को भून लेते हैं, जैसे जीरा, धनिया और सौंफ, इन सब को भून लेते हैं तावे पे। और भून चुके हैं, अब इनको निकाल लिया है, अब इनको कूट लेते हैं। तो देख सकते हैं कूट लिया है, अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में और आलूओं को फोड़ लेते हैं। और यहाँ पे डाल देते हैं हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज और धनिया। और जो मसालों को कूटा था उनको डाल देते हैं और हींग डाल देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी धनिया और स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसको साइड में रख देते हैं। और इधर आटा ले लिया है, उसमें डाल देते हैं हरी धनिया और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, हल्दी पाउडर और पानी डालकर इसका अच्छा सा घोल बना लेते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से घोल बना लिया है। अब इसे भी ढककर साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। और इधर आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आटा ले लिया है और पानी डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, हल्दी भूल गए थे तो बाद में हल्दी को डाल देते हैं थोड़ी सी। और आटा लगा लिया है। पांच मिनट के लिए साइड में रख दिया है। और देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं। उसके बाद लोइया बना लेते हैं। रोटी के आकार में इसे बेल लिया है और ग्लास से छोटे छोटे काट लेते हैं। अब आलूओं को भर लेते हैं, अच्छे से भर लेते हैं इसमें। अब इसको फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से। तो देख सकते हैं बन चुका है। अब इसी तरीके से सभी नाश्तों को बना लेते हैं। तो देख सकते हैं सभी नाश्ता को बना लिया है। अब पहले जो घोल बनाया था उसी में डुबो देते हैं और डुबोकर फ्राई कर लेते हैं तेल में। और अच्छी तरीके से इनको सेक लेंगे दोनों तरफ से। अब देख सकते हैं अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं बनकर हो चुके हैं रेडी। तो आप सभी को ये नाश्ता कैसा लगा? सिंपल सी रेसिपी है, प्लीज़ कमेंट बताइएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।